जाना है कि हमारे जज्बे कैसे जवान है, नारा लगवाएं। जो हुजूर का लंगर खाने वाले हैं ना, उनके सीनों से बिल्लियों की तरह नहीं, शेरों की धाड़ की तरह आवाज निकलती है, सबसे पहले तो ये मंजर दिखाया जाए कि लबैक वाले रोड पर खड़े हैं और ट्रैफिक जारी है। सबसे पहले ये मंजर दिखाया जाए दाएं बाएं, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे कायद फरमाया करते थे, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, तो हम मैं ये कहता हूँ ये जज्बा कीमती है बादशाहों के खजीनों से। अभी तक इस्लाम मालदार ऐसे सफीनों से, अभी तक बाबा जी की तुर्बत से सदा रही है, अभी तक ये सदा रही है तुर्बत के सीने से। ओ बादशाहों, ओ हुजूर के गद्दारों, अगर जिल्लत का जीना हो तो बहुत अच्छी है जीने से। इतना ही पैगाम इस जगह पर खड़ा होकर दूंगा कि हमारा वही नजरिया है जो हमारे बाबा जी हमें देकर गए हैं। वो हमारा नजरिया है कि मन सब पन अभी जन। तुम हमारे साथ जुल्म करो फिर भी हमारा नारा मन सब पन अभी जन। तुम जेलों में ले जाओ फिर भी हमारा नारा मन सब पन अभी जन। मन सब पन अभी जन। बच्चे काटो फिर भी हमारा नारा मन सब पन अभी जन। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहते हो, तो फिर हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर कहो कि मन सब पन अभी जन। और आखिरी बात देख लो, जो कहते थे ये काके हैं, ये काके नहीं इसके पटाके हैं, ये काके नहीं ये बाबे रिद्दी के इसके पटाके हैं। और किसी गलत फहमी में न रहना, ये किसी वक्त भी किसी के सर पर फट सकते हैं। अब ये अहद कर चुके हैं या रसूल अल्लाह, हमारा माल भी आपके लिए, हमारी जान भी आपके लिए, हमारा वोट भी आपके लिए, हमारी सपोर्ट भी आपके लिए, हमारे बच्चे भी आपके लिए, क्योंकि इनके कायदे ने एक ही सबक पढ़ाया कि उन्हें जाना। लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आखिरी बात, बाबा जी शेर पढ़ते थे कि देखी जो हिस्ट्री मैंने, तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लबैक बोलो, तुम्हें मरना आ गया, दुनिया तुम्हारा जीना देख रही है। बाबा जी ने तुम्हें मरना सिखा दिया, अब क्यामत तक लोग तुम्हें जीते हुए देखेंगे और फख्र करेंगे हुजूर के गुलाम ऐसे जीते हैं। लबैक।